हो हो हो, मेरी क्रिसमस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ईगल ओलन। आज बहुत ही काश एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ। क्रिसमस का सीजन है, न्यू ईयर का सीजन आ रहे हैं। आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस कहते हुए मैं बताना चाहता हूँ, अभी क्रिसमस का सीजन और न्यू ईयर का सीजन में एक दूसरा को गिफ्ट देता है, तो मेरा गिफ्ट मिल चुका है। ये है एक बहुत सुंदर सा एक एक्वेस्टिक गिटार, जो यामाहा ब्रांड का गिफ्ट मुझे मिला है। थैंक यू सो मच, अपना फैमिली मेम्बर से ही मुझे मिला। साथ ही साथ मैं आप सब एक दूसरा को क्या गिफ्ट देगा, पेरेंट्स अपना बच्चों को क्या देगा, लड़की दोस्त अपना लड़का दोस्त को क्या गिफ्ट देगा, लड़का दोस्त अपना लड़की दोस्त को क्या गिफ्ट देगा, आज उसी गिफ्ट को लेके मैं आपको बात करने के लिए आया हूँ। पेरेंट्स अपना बच्चों को, भैया अपना भाई को, दीदी अपना बहन को एक ऐसा गिफ्ट दीजिए कि उसका जिंदगी बन जाए। तो मैं एक ऐसा गिफ्ट, बहुत ही काश गिफ्ट आपको बताने के लिए आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट स्कूल ऑफ लैंग्वेज नेशन, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में पहली बार लेकर आया है। ब्रेन साइंस लेबोरेटरी, ब्रेन साइंस लेबोरेटरी जो ईटानगर में सेटअप है नॉर्थ ईस्ट में पहली बार, और ये इसका जो वर्जन जो सेम टू सेम ब्रेन साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में सेटअप हुआ है, उसको सेटअप किए है हमारा इंडिया का पहली आईपीएस लेडी आईपीएस किरण बेदी जी ने किया है। और ये ब्रेन यूथ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से ये जुड़ा हुआ है, उसको डॉक्टर विनोद कुमार जी ने फाउंड किया है और उसी का ऊपर वो काम करता है। और उसका काम को देखते हुए, उसका काम का ऑथेंटिसिटी को देखते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने भी इसको अप्रूव कर दिया है कि हाँ, ब्रेन साइंस लेबोरेटरी कुछ कर सकता है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री टेंशन फ्री सीखने का मदद कर सकता है, उसने अप्रूव कर दिया है। तो वो हमारा ईटानगर में ऑलरेडी लेबोरेटरी सेट हो चुका है और उस पर एडमिशन भी शुरू है। तो आपसे मैं ये कहना है, ये न्यू ईयर में क्रिसमस में अगर अपना बच्चा को आईफोन देता है, कीमती कीमती गिफ्ट देते हैं, उससे बेहतर है कि क्यों ना हम ऐसे करें कि ब्रेन साइंस लेबोरेटरी में एडमिशन करके दिखाए, तो उधर कुछ सीख जाए। और मैं खुद भी विजिट किया है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो खुद को अनलक्की समझता हूँ, क्योंकि हमारा समय में वो नहीं था। मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, पढ़ाई करने का कोशिश किया था, बड़ा बड़ा एग्जाम देने का कोशिश किए थे, तब हमारा एक ही ऑप्शन था, जब जिस चीज़ को हम भूलते जाते हैं, बार 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 पढ़ते रहो, तो वो पढ़ाई करना थोड़ा तकलीफ होता था। हाँ, आप ज़्यादा ही पढ़ लिया तो एक महीनों के लिए, एक दो महीने के लिए याद रहता था, लेकिन अभी उसको मुझे रिसाइट करा बोलने से मैं भूल जाता है, उसको मुझे अभी याद नहीं। लेकिन ब्रेन साइंस लेबोरेटरी का मदद से नेशल्स एक ऐसा टेक्निक सेटअप किया है साइंटिफिक वे से, कि एक बार पढ़ने के बाद वो चीज़ नहीं भूलता है। तो मैंने भी ट्राई किया, देख लो नेशल्स बहुत अच्छा ब्रेन साइंस लेबोरेटरी, इसमें 12 टाइप का मशीन सेट किया है, कि मशीन के जरिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के, आपको फॉर्मूला सिखा के, लंबा लंबा चीज को न्यूमोनिक्स का ये से रूप से कैसे याद किया जाए, ये सिखाने वाला है। तो वीडियो लंबा हो गया, फिर भी मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट अगर अपना बच्चा को कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो नेशल्स में एडमिशन करके दिखाइए, अपना बच्चा का जिंदगी बदलिए, और टेंशन फ्री पढ़ने का ये मदद करता है। और मैं उम्मीद है आप सब उसको विजिट करेगा, नेशल को विजिट करेगा और जल्द से जल्द इसका एडमिशन भी प्राप्त करेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का हम इंतज़ार करेंगे टीम नेशल्स।